चलेगा दोस्तों, तो आ चुके हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। तो इसमें हम आपको ब्लैक बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले। और जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि हम डेली के 40 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ हम लेकर आने वाले, जो हमारा मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का होगा। और ये 10 से 15 मिनट आपका एक फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस 10 से 15 मिनट में आप डेली के 40 नए नए सवाल सीखेंगे और इसमें सब इम्पॉर्टेंट सवाल होंगे, वो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप वेट कर लें दोस्तों। इसमें हम जो बताएंगे, इसमें देखेंगे टोटल दोस्तों, इसमें देखेंगे 133 सेट्स इसमें डाले गए हैं, जिसमें अप्रॉक्स जो क्वेश्चन बनते हैं वो अप्रॉक्स क्वेश्चन 5300 प्लस इसमें बनते हैं। और क्वेश्चन का जो टाइप है वो वन लीनियर टाइप है, यानी बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में हमें पढ़ने में। तो सबसे पहले चलेंगे हम आज के सवाल की तरफ, और ये स्पेशली हम रेलवे के लिए कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो NTPC के बच्चे हों या फिर ग्रुप डी के बच्चे हों, दोनों के लिए मोस्ट सफिशियंट बुक है ये। तो चलिए आज की अगली क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू हो चुका है, और ये पूछे गए हैं हमारा जो शिफ्ट वन है 28 दिसंबर 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो ये वन लीनियर क्वेश्चन है, पढ़ना बिल्कुल आसान होगा। तो चलेंगे हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे जो चैनल्स हैं उसे सब्सक्राइब कर दें, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए गए उस लिंक को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसका PDF हम वहीं पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलेंगे दोस्तों, देखते हैं अपना आज का सवाल। सबसे पहला सवाल जो आपसे कहता है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो सुकन्या समृद्धि योजना पे आपको 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं, जो आगे आपको विभिन्न रूपों में सामने आएंगे, लेकिन यहाँ पे उसका फर्स्ट फॉर्मेट है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है, राइट। यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भीमस्टेक का सदस्य नहीं है। इसके करेक्ट आंसर दोस्तों हैं वो आपके मालदीप हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर्स, ये इम्पोर्टेंट है, सेवन सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। तो पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर्स राज्य का एक गठन है, उसमें कह रहा है कि कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो सिक्किम जो है वो पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर राज्य का सदस्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप बहुत सारे सेट अगर बना रहे होंगे तो उन सभी में ये देखने को मिल रहे हैं, और प्रीवियस भी बहुत सारे, चाहे वो MTS हो या LDC हो, उसमें भी ये सवाल काफ़ी बार पूछे गए, तो ये सवाल आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनते हैं। फिर आपका आगे है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। यानी वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो सबसे पहले किन दो शहरों के बीच चली थी। तो इसके करेक्ट आंसर है नई दिल्ली और वाराणसी के बीच, ठीक है। इसका एक अगला फॉर्मेट जो है वो आपसे आगे पूछा गया, वो कहीं पर मैंशन होगा कि जो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस थी अब वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा पहला जो है वो पूछा गया कि भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, तो नई दिल्ली से वाराणसी। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे आपके खाली जगह दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए, और कह रहा है DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। यानी कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इसके करेक्ट आंसर है दोस्तों पिनाका, राइट। आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी किनको 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया था। तो ये 2019 का करंट अफेयर है, लेकिन इसका आप आंसर अगर जानना चाहेंगे तो यहाँ से आंसर इसके मेंशन किए गए हैं, AHUTAN NAMBOOTRI इसके कैरेक्ट आंसर हैं, और ये 2019 के करंट अफेयर थे, लेकिन ये करंट अफेयर अब आने वाले नहीं है आगे, क्यों, चूँकि वो 2019 के थे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये सवाल से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं आपसे कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस ज़िले में है। तो दांडी जो है वो गुजरात के नवसारी ज़िले में है।
यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और इससे तीन सवाल बनते हैं। एक तो ये बनता है पहला सवाल कि जो दांडी मार्च हुआ था शुरू, या नमक मार्च जिसे कहते हैं, वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो वो हमारा साबरमती से शुरू हुआ था। फिर सेकंड सवाल बनता है कि ये साबरमती से शुरू हो करके कहाँ जाके ख़त्म हुआ था? तो ये दांडी तक जा करके ख़त्म हुआ था। फिर इसी में तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, दांडी जो है वो किस ज़िले में है? गुजरात में तो है, लेकिन गुजरात के किस ज़िले में है? तो यहाँ पे नवसारी ज़िले में। यानी यहाँ से आपके तीन सवाल बनते हैं और तीनों सवाल विभिन्न एग्ज़ाम्स में आपके पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ती है? तो जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। ये भी यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको आगे मिलने वाले हैं, जहाँ पे मिलेंगे मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुके हैं, तो ये सारे सवाल आप मेंशन रखेंगे माइंड में। आगे क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यानी कौन सा जो देश है नीचे चार ऑप्शन में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान। जापान जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगली सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, गोभी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोभी मरुस्थल जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये भी काफ़ी बार सवाल आपसे पूछे गया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? यानी ये सिर्फ बात बनाए, आपसे ये सिर्फ पूछना चाह रहा है कि जो महारत्न कंपनी है भारत की, उसमें से कौन सा है जो चार ऑप्शन दिए गए हैं? तो कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, या भेल, या ONGC, ये सब क्या है आपका भारत के नवरत्न कंपनी है। तो ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड भी जो है एक भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है, या फिर भेल है, या फिर ONGC है, इस तरह के बहुत सारे कंपनी हैं। आगे आपसे कह रहा है कि उबंटू क्या है? तो उबंटू क्या है, तो उबंटू क्या है, हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था? ये भी उस टाइम के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे, लेकिन ये करेंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है कि 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। विलय कर दिया गया था यानी मर्ज कर दिया गया था, दोनों को एक ही में मिला दिया गया था। तो कौन से दो बैंक को मिला दिया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में? तो विजया बैंक और देना बैंक। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये सवाल अभी तक पूछे जा रहे हैं आपके सेट्स में। फिर आपके आगे हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर के CPU जो पार्ट होते हैं, उस CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये भी सवाल काफ़ी बार आए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला जो सवाल है उसमें हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि इसरो ने किस वर्ष में मास ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? इसरो, इसरो जो होता है वो भारत का है, और नासा जो है वो अमेरिका का है। ये चीज़ भी सवाल में कई बार पूछा गया कि इसरो जो है वो कहाँ का अंतरिक्ष संस्थान है, तो वो भारत का है, और नासा की जब बात कर ले तो वो अमेरिका की है। तो यहाँ से कह रहा है कि इसरो यानी भारत का जो है ने किस वर्ष में मास ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? तो ये 2013 में। अब दोस्तों इससे एक सवाल और बनते हैं, चूँकि इसरो जो है यहाँ से इसके फुल फॉर्म कई बार आ गए हैं, तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 17। इसमें आपसे कह रहा है, समान रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या है? औसत मान जब भी आपसे क्या देगा, तो औसत मान को ही हम सेकंड लैंग्वेज में जानते हैं माध्य। ये मैंने आपको मैथ में पढ़ाया है कि औसत जो होता है उसे हम माध्य के रूप में भी निकाल सकते हैं, या दोनों सेम एक ही चीज़ होता है लगभग। तो आप यहाँ से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि समान रूप में केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या है, वो माध्य है। फिर सवाल नंबर 18 कहता है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा को जो नापा जाता है वो किस में नापा जाता है, मोल में।
फिर आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो राज तरंगिणी के लेखक बहुत सारे बच्चे आप में से जानते होंगे कि कल्हण है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। फिर इससे एक सवाल बनता है कि राज तरंगिणी जो है वो कहाँ का इतिहास है? तो राज तरंगिणी जो है वो कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, ये सवाल भी आपको कई बार पूछे गए हैं कि राज तरंगिणी जो है वो कहाँ का इतिहास है, तो वो कश्मीर का इतिहास है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कल्हण है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो चित्रकला की पट्टचित्र शैली जो है वो उड़ीसा की लोकप्रिय कला है। राइट, ये याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। फिर सवाल नंबर 21 आपसे कहता है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो सिख गुरु कौन थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसके करेक्ट आंसर हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी। राइट, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? आप यहाँ से देखेंगे, इंडिया गेट दिल्ली में है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, लेकिन बुलंद दरवाज़ा जो है वो आपको दिल्ली में नहीं है। बुलंद दरवाज़ा जो है ये आपके आगरा में स्थित है। ठीक है, अगर आप सभी को याद होगा कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो ये आगरा में। तो यहाँ से इसके सही आंसर हो जाएंगे आगरा। क्योंकि कह रहा है कि कौन सा जो स्मारक है वो दिल्ली में नहीं है, यानी इसमें से तीन ऑप्शन जो है वो दिल्ली में है, और ऑप्शन नंबर जो 4 है बुलंद दरवाज़ा, ये आगरा में यानी दिल्ली में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहा है कि कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? विषाणु यानी वायरस से होती है। तो वायरस से जो बीमारी होती है उसका नाम है चेचक। राइट, ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे 1 में क्या है, चेचक। ठीक है, आपको यहाँ से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से होते हैं, कौन सी बीमारी विषाणु से होते हैं, कौन सी बीमारी विटामिन की कमी से होते हैं। तो इस तरह के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था विषाणु से रिलेटेड, तो विषाणु से कौन सा होता है, चेचक। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ से कह रहा है कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? ये सवाल दोस्तों मैं आगे आपको बताऊँगा, ये सवाल 3 से 4 बार पूछे गए आपको, इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि कई सवाल जो है वो रिपीटेड सवाल हैं, विभिन्न शिफ्ट में एक ही सवाल को कई रूपों में दिए गए हैं, चाहे सेम दिए गए हैं या थोड़ा सा चेंज करके उसी सवाल को फिर से रिवाइज़ किए गए हैं। तो ये सवाल मैं आपको आगे दिखाऊंगा, 3 से 4 बार आपको आगे भी मिलने वाले। तो यहाँ से जो है जब हम कंप्यूटर या इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें जो URL करके क्या आता है, URL का यहाँ से कह रहे हैं कि जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म जो होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे कुछ कड़ी है, आप यहाँ से लिख लेंगे यू से यूनिवर्सल, आर से रिसोर्स और L से लोकेटर, लोकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसके करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल। यहाँ पे है रिसोर्स भी है, लोकेटर आपका छिपा हुआ था तो मैंने यहाँ से हाईलाइट कर दिया कि L से क्या होते हैं, लोकेटर। फिर बढ़ेंगे आज के अगली सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सवाल आपको कई बुक्स में दिखने को मिले होंगे कि सेरीकल्चर जो है वो शब्द किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर जो शब्द है वो रेशम की खेती से संबंधित है, यानी रेशम की खेती को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि खाली स्थान दिए गए हैं, कह रहा है सहजीवी संबंध को दर्शाता है, यानी 4 ऑप्शन में से कौन से कैसे ऑप्शन से जो सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो काई जो है जो आपको सहजीवी संबंध को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं 27, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? ये आपके 2020 के करेंट अफेयर यहाँ से पूछे गए हैं, चूँकि NTPC का एग्ज़ाम हुआ था वो 2020 में हुए थे फर्स्ट पेपर, तो उसी टाइम का ये करंट अफेयर है। तो उस टाइम जो ये था कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 2020 हुआ था उसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो घोषित थीम था उसका क्या नाम था, तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। ठीक है, अब यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। ये सवाल भी कई बार आपको अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये सवाल को भी आप याद रखेंगे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्मारंग पांडुरंग। अब यहाँ से अगला जो 29 नंबर सवाल है वो कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है?
यानी कौन से ऐसे माध्यम है जहाँ से ध्वनि क्रॉस नहीं कर सकती है, नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात, ऑप्शन नंबर देख लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट में क्या है? निर्वात। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे निर्वात, मतलब जहाँ हवा नहीं जा सकती है वहाँ हमारा ध्वनि भी नहीं जा सकता। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? ये भी आपके 2020 के करंट अफेयर थे, तो उस टाइम खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था 2020, तो ये किस शहर में खेला गया था? उस टाइम के करंट अफेयर थे, तो ये आपके खेले गए थे गुवाहाटी शहर में। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ भी होते हैं। यहाँ से आपको कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, यानी जो लोकसभा है उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? तो वहाँ मैक्सिमम जो होते हैं वो 552 मेंबर होते हैं। ये लोकसभा की बात हो गई। अगर राज्यसभा में आपसे बोल दे कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं, तो 250 यानी 250। और ये सवाल दोस्तों भी आपको आगे आने वाले हैं, वो हम आपको बताएंगे वहाँ पे, इसी ब्लैक बुक्स में ही है, वहाँ पे आपको पूछे गए हैं कि राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, अधिकतम सदस्य जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो 250। और लोकसभा में कितने होते हैं, तो लोकसभा में 552। आगे बढ़ेंगे हम। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से भी दो सवाल बनते हैं, एक तो डेट आपसे पूछेंगे कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1556 में। लेकिन अगर पूछ दे कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किनके किनके बीच हुआ था, तो यहाँ से उसका आंसर हो जाएंगे अकबर और हेमू के बीच हुआ था। यानी एक ही सवाल को आपको दो तरह से घुमा के दे सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई, और कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। आगे आपसे कह रहा है कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये सवाल कई बार रिपीटेड है, आगे भी आएंगे। तो कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? ये भी क्वेश्चन बहुत लोग नहीं जानते कि हमारे जो भारत हैं उसके सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, सबसे युवा राष्ट्रपति, तो नीलम संजीव रेड्डी ये सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे भारत के। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरुद्ध यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैंडलॉक्ड है? तो पैराग्वे और बोलीविया। पैराग्वे और बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका के ऐसे दो देश हैं जो आपस में क्या है, लैंड लॉक्ड है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। अच्छा, अगला जो सवाल है उसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में बात कर लें तो CPRI कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके शिमला में स्थित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो दी हेग में। ये सवाल आपको स्पीडी में भी देखने को मिल जाएगा। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है हेड क्वार्टर वो कहाँ स्थित है? दी हेग में। आगे ये सवाल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोग जानते भी हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार आए हैं और ये SPD में भी आपको हैं कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात जो है उसकी जो समुद्र तट की जो रेखा है वो सबसे लंबी है। आगे पढ़ेंगे सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो है वो केरला में स्थित है और सबरीमाला पे अभी लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर है, केस भी चल रहा था कि सबरीमाला में जो मंदिर है वहाँ महिलाओं की एंट्री पे बैन है, तो इसके लिए भी ये सबरीमाला मंदिर काफ़ी फेमस है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक आपको छोड़ेंगे क्योंकि 40 सवाल हमारे हो गए। आपको करना क्या है, इन सारे सवालों को एक दो बार से देख लें, इसके बाद इसे याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे जितना याद करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हमारा काम है अच्छी चीज़ों को आप तक पहुँचाना, बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसे गेन करते हैं या फिर ऐसे ही हल्के में लेके निकल जाते हैं। अगर आप सीरियसली मूड में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपकी कैरियर बनेगी, आपके माँ बाप का जो सपना है वो पूरा होगा, तो बाकी ये चीज़ें सारी आप पे डिपेंड करती हैं। तो ठीक है, फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।